आज हमारे साथ नेशनल न्यूज़ की टीम जो कि लाहौर से है और खुसूसी तौर पे उनको आज नदीम इम्तियाज़ भट्टी ने अपने खुशपुर के मुतालिक बातचीत के लिए और खुसूसी तौर पे आज उनके वालता मोहतरमा की बरसी भी थी उस हवाले से उनको खुशपुर में दावत दी अमजद साहब और उनकी टीम को कि वो खुशपुर में आए और आज वो खुशपुर के हवाले से बहुत सारे लोगों से भी बातचीत करेंगे और खुसूसी तौर पे आज जबकि हम इस वक्त सेंट कैथरीन जमात की जो मेंबर्स हैं उनके साथ यहाँ बैठे हैं। पहले पाकमास हुई थी, अभी सारी मेंबर्स जो हैं उन्होंने खाने में भी शिरकत की। तो हमारे साथ सेंट कैथरीन के जो मौजूदा सदर हैं मिसेस नौशाबा मूसा साहिबा, वो भी हमारे पास इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। तो आज जब के बरसी थी मोहतरमा नज़ीर भट्टी साहिबा की कि उन्होंने बहुत साल पहले जब खुशपुर में डोमिनिकन सिस्टर्स ने कुछ ख़वातीन को शुरू किया कि वो एक जमात बनाए जो कि खुशपुर के हवाले से कोई काम कर सके, तो उस वक्त उस जमात को हमारे साबक चौपाने आला शहीद बिशप डॉक्टर जॉन जोसेफ उनकी मुआवनत हासिल थी और उनकी बहन मोहतरमा क्लारा जोसेफ साहिबा, उन्होंने इस जमात को कुछ ख्वातीन के साथ मिलकर शुरू किया और उस वक्त उनकी जो बुनियादी रुकन थी उनमें मोहतरमा हमारी वालदा मोहतरमा बेगम नज़ीर भट्टी, ये उस वक्त उनके साथ शामिल थी और उन्होंने इस जमात के साथ मिलकर काम किया। तो मुख्तलिफ अदवार में जो इनके सदर साहिबा थी वो तब्दील होती गई और जमात में जो सबसे अच्छी बात जो मुझे महसूस हुई कि अगर किसी ख़ानदान की खातून जो थी ग्रुप में शामिल थी और जब वो वफात पा जाती तो वो हमेशा कोशिश होती इस ग्रुप की कि उस ख़ानदान से किसी और ख़ातून को जो है इसमें शामिल किया जा सके। तो जब हम छोटे छोटे थे तो इस ग्रुप ने एक बहुत ही अच्छा और अहम काम जो खुशपुर की ख़वातीन के लिए किया कि पहले पहल खुशपुर में लोग पानी पीने के लिए जो पानी था वो मयस्सर नहीं था, घरों में नमकीन पानी था, तो वो हमारा जो मेन खाल था जहाँ से आबपाशी के लिए लोग पानी इस्तेमाल करते थे उसके किनारों पे बहुत सारे नलके जो थे हैंड पंप जिन्हें हम कहते हैं वो लगाए गए और ख़वातीन पानी पीने के लिए अपने सरों पे मटके और जिसे हम ये पंजाबी में घड़े कहते हैं वो उठा के लाते और पीने के लिए घरों में पानी जो था वो सप्लाई करते। और अक्सर औकात जब बारिश होती तो ये मसला बहुत ही संगीन हो जाता क्योंकि चीकड़ होता था और फिर ख़वातीन जब उन्होंने वज़न सर पे उठाया होता पानी का तो उनके गिरना भी ज़रूर होता, लेकिन उन्होंने हमेशा इसको अपने ख़ानदान की तरक्की के लिए जो मजबूरी थी इसको हमेशा कभी अपने आड़े आने ना दिया। और फिर ख़वातीन ने सेंट कैथरीन जमात की ख़वातीन ने जब इस मसले को देखा तो उन्होंने गांव के कुछ लोगों से बातचीत की, फिर उन्होंने बिशप साहब से बात की और इस तरह एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो था वो उन्होंने शुरू किया कि गांव का जो मेन खाल था उस पर एक बड़ा पंप लगाया गया, मोटर लगाई गई जहां से फिर गलियों में मेन जो बाज़ार थे वहां पानी के जो थे वो पॉइंट बनाए गए कि हर गली जो है एक एक दो दो गली जो है वहां से पीने के लिए पानी ले सके। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ा मसला जो था वो हल हुआ और लोगों को जो बहुत ज़्यादा सफ़र करके पानी पीने के लिए ख़वातीन लेके आती वो मसला हल हुआ। उसके बाद भी ये ख़वातीन जो है वो काम करती रहीं। तो मैं बाकी जो सूरत हाल है या उनके काम की नौइयत है उस हवाले से उनकी सदर जो हैं मिसेज नौशाबा मूसा साहिबा उनसे बातचीत हम करेंगे। आपने
जब ये मसला देखा तो उसके बाद आपने इसके लिए और क्या काम आप कर रहे हैं? जी, मेरा नाम नशाबा मूसा है और मैं सेंट कैथरीन जमायत की सदर हूँ। ये हमारा ग्रुप 1975 में शुरू हुआ और 1975 से लेकर 1980 तक ये एक आम ग्रुप रहा। फिर जब कहीं इन्हें मीटिंग के लिए हमारे ग्रुप को बुलाया गया तो उस वक्त तक हमारे ग्रुप का कोई नाम ना था। तो साहिवाल में मीटिंग हो रही थी, बहुत सारे उधर लोग जमा थे। तो जब उन्होंने इनसे बहनों से ग्रुप का नाम पूछा तो हमारी एक बहन जो अम्मा वीरो चार्लिस जो इनकी दादी हैं, उन्होंने उठकर बताया कि हमारे ग्रुप का नाम सेंट कैथरीन है। तो उस वक्त से ग्रुप का नाम सेंट कैथरीन रखा गया। फिर 1980 में ये एक बहुत बड़ा और अच्छा ग्रुप बन गया और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद यानी 1982 में हमारी बहनों के बाकायदा प्रोफेशन हुए। तो जो बहनें पढ़ी लिखी थी वो ग्रुप में आई और उन्होंने सिस्टर साहिबात के साथ मिलकर डोमिनिकन के साथ रابطہ किया और फिर जो हमारा ग्रुप है अब सेंट कैथरीन जमायत है। तो ये अभी हमारे बाकायदा जो हैं सारे वादे होते हैं जिस तरह सिस्टरों के और फादर्स के होते हैं। तो अभी हमारा ग्रुप अभी तक कायम है जो कि हमारे गांव में सबसे पुराना और पहला ग्रुप था। तो अभी बहुत सी बहनें हैं जो कि खुदावंद में सो गई हैं और बहुत बहनें जो बीमार या आगे पीछे शहरों में चली गई हैं, लेकिन फिर भी आज तक हमारा ग्रुप कायम है और हमें जहाँ भी बुलाया जाता है हम बड़ी खुशी से जाते हैं। तो रोज़ों के दिनों में भी और पूरे साल में हम अपनी सारी बहनों को लेकर जब कोई बहन बीमार होती है या कोई बहन फौत होती है तो हम बाकायदा उधर जाकर अपनी पूरी डोमिनिकन रसूमात के साथ उसका जनाजा करते हैं और बीमारों की तीमारदारी के लिए जाते हैं। तो हमारे ग्रुप ने बहुत से काम किए हैं इस गाँव में। जिस तरह के भाई नाजम ने बताया है कि पानी की बहुत कमी थी, तो सबसे पहले जो हमारा गांव में पानी का प्रोजेक्ट था वो हमारी सेंट कैथरीन जमायत ने शुरू किया और अभी तक हमारा ग्रुप पूरी सरगर्मी के साथ काम कर रहा है। जहां भी ज़रूरत पड़ती है हम जाते हैं और अपना जो भी हमारी जिम्मेदारी हो, जिस तरह के फादर जी के साथ मिलकर पैरिश में और गांव में भी हम अपना काम सर अंजाम अच्छी तरीके से देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे जो ग्रुप होते हैं अपने पैरिश की मदद के लिए काम करते हैं और आप भी अपने पैरिश को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमेशा फादर जी के साथ और सिस्टर्स अबाद के साथ मिलकर काम करते हैं। तो कभी कोई ऐसी मुश्किल पेश आई हो तो ब्राय करम आप वो भी बता दें। कभी कभार होता है कि कभी कोई मुश्किल भी पेश आ जाती है, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते तो अपना काम जो है वो कर लेते हैं या किसी तरीके से भी करवा लेते हैं, क्योंकि हम खुदावंद के जलाल के लिए काम करते हैं, क्योंकि ना किसी को दिखाने के लिए, इसलिए खुदावंद हमेशा हमारी मदद करता है। जी, बहुत शुक्रिया कि खुदा आपकी मदद के लिए हमेशा, जैसे आप खुदावंद को मदद के लिए पुकारते हैं वो आपकी मदद करते हैं। तो आज जबकि बहन जी की बरसी है तो उनके हवाले से कोई आप उनकी कोई हमें बात जो है वो ज़रूर बताएँ। जी, आंटी नज़ीर ससीलिया जो मुझसे पहले सदर थी, जब वो फौत होगी तो उसके बाद सदर मैं बनी हूँ और अभी तक हूँ। तो उनकी बहुत सी अच्छी आदात थी जो आज तक हमें याद हैं कि उनमें हलीमी और फरौतनी थी और वो जमायत के लिए हमेशा बड़ी सरगर्मी के साथ काम करती थी। दोपहर को धूप में भी जाकर घरों में पैगाम देना और बहुत से काम ऐसे कि गरीबों की मदद के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए और जो भी उनसे हो सकता था वो हमेशा करती थी। और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जमायत में काम किया और एक जंजीर की तरह जमायत को बांध रखा था। और अभी वो खुदावंद की पाक मर्ज़ी के मुताबिक खुदावंद में सो गई हैं, लेकिन हमारी दुआएं हमेशा उनके साथ हैं और उनके बच्चों को भी हम हमेशा याद रखते और उनके लिए भी दुआ करते हैं, क्योंकि वो भी हमारी जमायत को हमेशा याद रखते हैं। जी, बहुत शुक्रिया खुसूसी तौर पे नदीम का, एजाज का, फयाज का और उनकी पूरी फैमिली का कि वो हमेशा सेंट कैथरीन के साथ, जिस तरह उनकी वालदा मोहतरमा के तल्लुकात थे वो हमेशा उन तल्लुकात को बहाल रखने की कोशिश करते हैं। आप सबका आज के
यहाँ आने का और नेशनल न्यूज़ के साथ बातचीत करने का, आपका और आपकी पूरी जमात का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।